Dear viewers, Assalamu alaikum. Let's start to the lectures. We will continue with the chapter number 3 and we will discuss a few more questions of exercise 3.4. Aaj hum karenge 0.678 into 9.01 divided by 0.0234. Isko solve karna hai using logarithm tables. Let's suppose it is equal to x. जिस तरह से बाकी क्वेश्चंस के अंदर हमने किया था उसको सपोज कर लिए x के इक्विवेलेंट देन वी विल टेक द लॉग ऑन बोथ साइड्स ऑफ द गिवन क्वेश्चन टेकिंग लॉग ऑन द बोथ साइड्स वी विल गेट द लॉग x इज इक्वल टू लॉग गिवन क्वेश्चन वैल्यूज आफ्टर दैट वी विल अप्लाई द लॉज ऑफ लॉगरिथम फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ टू स्प्लिट आवर प्रॉब्लम हमारा प्रॉब्लम स्प्लिट हो जाए ईजी हो जाए हम इसके ऊपर लॉगरिथम के लॉज को अप्लाई करेंगे लॉग x इज इक्वल टू लॉग आप न्योमिनेटर के अंदर देखें तो 0.678 इनटू 9.01 दोनों मल्टीप्लिकेशन जो आपके पास है वो फर्स्ट लॉ अप्लाई करेंगे तो वो मल्टीप्लिकेशन प्लस में चेंज हो जाएगी और डिनोमिनेटर के अंदर जो आपके पास फ्रैक्शनल पार्ट है उसके अंदर सेकंड लॉ अप्लाई करेंगे तो वो नेगेटिव में चेंज हो जाए उसके बाद हम इन दोनों जो आपके पास क्वेश्चन आपके पास लॉग एक्स है और दूसरी तरफ आप इन सारी वैल्यूज़ तीनों वैल्यूज़ का हम क्या करेंगे लॉग फाइंड करेंगे लॉग फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले जो है ना आपके पास लॉग इसका देखेंगे जी 0.678 तो हियर इज़ दिस पॉइंट ऑफ रेफरेंस जो आपके पास 6 के बाद अगर लेफ्ट साइड से आप देखें तो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद इसका पॉइंट ऑफ रेफरेंस होता है वो 6 के बाद है इसके पॉइंट ऑफ रेफरेंस के और डेसिमल के दरमियान में 1 डिजिट तो इसका मतलब इसका करेक्टरिस्टिक 1 होगा हियर इज ओनली 1 डिजिट बिटवीन दीज टू और डेसिमल चूँकि लेफ्ट हैंड साइड पे इसीलिए इसका करेक्टरिस्टिक क्या होगा -1 हम इसका करेक्टरिस्टिक लिख देंगे -1 उसके बाद हम पॉइंट लगा देंगे और फिर मंटीसा जो है वो लॉगरिथम टेबल में देखेंगे 67 को 8 में तो वो 8312 आपके नीचे नज़र आ रहा है वो आपके पास लॉगरिथम टेबल आ गया तो वहाँ पर आपके पास उसका मंटीसा चूँकि फोर्थ डिजिट नहीं है इसीलिए इसका डिफरेंस नहीं होगा और इसी तरह यही इसका मंटीसा हो जाएगा नेक्स्ट आपके पास लॉग 9.01 को हमने अब उसका फाइंड करना है तो इसका पॉइंट ऑफ रेफरेंस और जो आपके पास डेसिमल पोजीशन है सेम है लिहाजा इसका करैक्टरिस्टिक 0 होगा और इसका जो आपके पास मंटीसा है वो हम नीचे लॉगरिथम वाले टेबल में सर्च करेंगे वो हमारे पास है 9547 तो वो हम पॉइंट डेसिमल पोजीशन लगा के 0.5 लगा देंगे माइनस थर्ड लॉगरिथम आपके पास उसमें अगर आप देखेंगे तो उसके जो आपके पास पॉइंट ऑफ रेफरेंस है वो 2 के बाद है 2 और पॉइंट ऑफ रेफरेंस और जो डेसिमल है उसके दरमियान में अगर आप देखें तो 2 डिजिट आपके पास मौजूद हैं 0 और 2 2 डिजिट्स हैं तो आपके पास उसका करैक्टरिस्टिक 2 होगा लेकिन चूंकि जो आपके पास डेसिमल पोजीशन है वो लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर है इसीलिए इसका करैक्टरिस्टिक होगा -2 नेक्स्ट -2 और उसके बाद आप पॉइंट लगाएंगे और वैल्यू को देखेंगे मंटीसा उसका सर्च करेंगे मंटीसा उसका आपके पास है 36922 नीचे आपको लॉगरिथम टेबल में नज़र आ रहा है उसका मंटीसा हमने लिख दिया आप करैक्टरिस्टिक्स जो आपके पास हैं उनको हम सेपरेट कर लेंगे और मंटीसा को सेपरेट कर लेंगे क्योंकि करैक्टरिस्टिक पॉजिटिव नेगेटिव हो सकते हैं मंटीसा हमेशा पॉजिटिव होता है और अगर हम सब को ही नेगेटिव साइन साथ लिख देंगे तो नेगेटिव साइन उसका कंसीडर फिर मंटीसा भी नेगेटिव कंसीडर होना शुरू हो जाएगा इन वैल्यूज़ को सॉल्व करने के बाद आप देखेंगे कि आपके पास ये वैल्यूज़ जो है ना वो जैसे आपके पास वैल्यूज़ आ गई हैं अगर आप -1 और इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो है ना वैल्यूज़ आप इस वैल्यूज़ को अगर आप देखते हैं दैट इज़ इक्वल टू 0.8312 और माइनस इसमें से अगर आप 1 करते हैं दैट इज़ -16.88 आपके पास आ चुका है आपके पास उसकी वैल्यूज़ और नेक्स्ट अगर आप दूसरी वैल्यूज़ को देखते हैं जो आपके पास क्या है दैट इज़ इक्वल टू -2 और प्लस आपके पास है 0.3692 उसका आंसर -1.6308 तो ये आपके पास वैल्यूज़ उसकी आंसर्स उनके आ चुके हैं आपके इन दोनों इन तीनों वैल्यूज़ को आप जब दोबारा से लिखेंगे तो आपके पास दैट मीन इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड करने के बाद ये वाला आ गया और ये माइनस माइनस प्लस का साइन आ गया और ये वैल्यू आपके पास इन वैल्यूज़ को ऐड करेंगे आपके पास तो आपके पास आंसर आ जाएगा लॉग एक्स इज इक्वल टू 2.4167 अब लॉग एक्स की वैल्यू आ चुकी है लॉग एक्स फाइंड करने के बाद हम उसका एंटी लॉग ले लेते हैं बहुत सारे टेकिंग ऑन एंटी लॉग और लॉग एक दूसरे को इस पोजीशंस में कैंसिल आउट कर देंगे लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास सिर्फ एक्स रह जाएगा और राइट हैंड साइड पे हमारे पास एंटी लॉग आपने फाइंड करना है 2.4167 का इसमें 2 करैक्टरिस्टिक है और 0.4167 को हमने एंटी लॉग के टेबल में सर्च करना उसका मंटीसा
नीचे आपके पास टेबल में इसका मल्टीसा आ गया है 2606, और 4 इसका डिफरेंस है, तो ऐड करेंगे तो 2610 जो आपके पास इसका, आपके पास जो है वो टोटल मल्टीसा आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड से फर्स्ट डिजिट के बाद से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे और डेसिमल प्लेस करेंगे जहाँ पर हमारा करेक्टरिस्टिक है 2 पॉजिटिव, तो इसका मतलब यहाँ से पॉजिटिव डायरेक्शन में हम 2 जो है मूव करेंगे, 1 एंड 2, हेयर इज़ आवर पोजिशन, वी विल प्लेस द डेसिमल हेयर, दिस इज़ द फाइनल आंसर। फोर्थ पार्ट है फर्स्ट क्वेश्चन का, यूज़ लॉगरिथम टेबल टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, और इसको भी हम क्या करेंगे, लेट सपोज एक्स इज इक्वल टू 2.709 रेडिकल साइन 5 इंडेक्स के तौर पर होगा और इन टू 1.239, और इसका रेडिकल जो आपके पास है और साइन में है और इसका इंडेक्स 7 है आपके पास। अब इसके अंदर हम नेक्स्ट स्टेप में करते हैं, लेट्स टेकिंग लॉग ऑन द बोथ साइड्स, हमने दोनों तरफ लॉग ले रही है अप्लाई कर लिया। नेक्स्ट स्टेप में हम लॉग के लॉ अप्लाई करते हैं, लॉग के लॉ अप्लाई करेंगे तो फर्स्ट लॉ ही इसमें अप्लाई होगा, तो मल्टीप्लिकेशन जो है वो प्लस में चेंज हो जाएगी। इन द नेक्स्ट स्टेप जो आपके पास इसका इंडेक्स है उसको हम एक्सपोनेंट फॉर्म के अंदर चेंज कर लेंगे, और रेडिकल शेप को जब एक्सपोनेंट शेप में चेंज करते हैं तो 1/(1)x जो है ना वो वैल्यूज़ आ जाती हैं आपके पास। अब इंडेक्स की वजह से जो आपके पास जो वैल्यूज़ आपके पास इंडेक्स में होती हैं वो आप लॉगरिथम के थर्ड लॉ अप्लाई करते हैं, तो वो इंडेक्स वाली वैल्यूज़ जो हैं वो लॉगरिथम के कोफिशेंट के तौर पर लॉगरिथम से पहले मौजूद होती हैं। जैसे यहाँ पर आपके पास देखेंगे जैसे इसके इंडेक्स क्या था 1/5, तो लॉग के पहले आ गया आपके पास, दूसरे के इंडेक्स था 1/7, तो वो लॉग से पहले आपके पास जो है थर्ड लॉ अप्लाई करने के बाद ये हमारे पास वैल्यूज़ आ चुकी हैं। अब हमने लॉग फाइंड करना है, दो नंबर्स हमारे पास मौजूद हैं, लॉग एक्स इज इक्वल टू 1/5 एज इट इज़ आ जाएगा और लॉग 2. इसमें आपके पास 709 का हमें फाइंड करना है, तो फर्स्ट हम इसका करैक्टरिस्टिक फाइंड करेंगे, डेसिमल पोजीशन इसकी और पॉइंट ऑफ रेफरेंस ए सेम प्लेस पे है, तो इसका मतलब इसका करैक्टरिस्टिक जीरो हो गया। मंटीसा के लिए हम लॉगरिथम टेबल देखेंगे, लॉगरिथम टेबल नीचे आ गया इसका और इसकी वैल्यूज़ हमारे पास आ गई 4314, और 14 का डिफरेंस 9th जो आपके पास डिफरेंस है उसको हम ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 4328 प्लस 1/7। नेक्स्ट का हम लॉग फाइंड करेंगे, उसमें भी अब देखें तो पॉइंट ऑफ रेफरेंस और करेक्टर्स जो आपके पॉइंट ऑफ रेफरेंस और डेसिमल सेम पोजीशन पे लगा उसका भी करेक्टर्स जीरो हो गया। अब इसका मंटीसा हम देखेंगे, वो लॉगरिथम टेबल नीचे आ जाएगा, जैसे आप इसको एंटर करते हैं और आपके पास इसका मंटीसा 3 में इसका 0899 और 31 का इसका डिफरेंस है, टोटल आप जब इसको ऐड अप करोगे तो आपके पास इसका 09305। अब लॉग एक्स 0.43 को आपने 5 पे डिवाइड कर दिया और 0.0930 को आपने 7 पे डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास ये वैल्यूज़ आ गई 0.0133 और 0.06866। इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड करने के बाद हमारे पास आंसर आ गया लॉग एक्स इज इक्वल 0.0999। अब लॉग एक्स की वैल्यू चूँकि आ चुकी, लेकिन हमें एक्स की वैल्यू चाहिए लॉग एक्स की नहीं, तो हम दोनों तरफ एंटी लॉग ले लें, टेकिंग एंटी लॉग ऑन द बोथ साइड्स, लेफ्ट हैंड साइड पे लॉग एंटी लॉग कैंसिल हो जाएंगे एक्स और लॉग एंटी लॉग इज इक्वल टू 0.0999। अब आपने इसका एंटी लॉग जो है वो लेना है, इसका करैक्टरिस्टिक जीरो जो डेसिमल पोजीशन से पहले होता, और उसके बाद आपके पास इसमें आपने इसका एंटी लॉग में देखना, एंटी लॉग में आप उसको देखें, दैट्स मीन 0.9 को देखेंगे 9 में डिफरेंस और 9 में ही उसकी वैल्यू देखेंगे, 1256 और 3 का डिफरेंस उसमें है, तो ऐड करेंगे 1259 टोटल हमारे पास वैल्यू आ गई। अब हमारे पास यहाँ पर इसका पॉइंट ऑफ रेफरेंस है, यहाँ से हमने काउंटिंग स्टार्ट करनी है डेसिमल लगाने के लिए, हमने पॉइंट इसमें पॉइंट लगाने के लिए नंबर के अंदर हम यहाँ से लेफ्ट की तरफ या राइट की तरफ काउंटिंग करते हैं और देखते हैं कितना काउंटिंग करते हैं, जितना हमारा करैक्टरिस्टिक होता है जो ऊपर एंटी लॉग जिसका हमने लिया 0.0, तो इसका मतलब 0 इसका करैक्टरिस्टिक है, मीन हम इस पोजीशन से 0 डेसिमल मूव करेंगे, कोई भी आपके पास डिजिट मूव नहीं करेंगे, 1 डिजिट भी मूव नहीं करेंगे, 0 मीन यहाँ पर ही डेसिमल प्लेस कर देंगे, दिस इज़ आवर फाइनल आंसर।